ये विरोधी उनको क्यों छाती कप रहा है? वीरेंद्र शास्त्री जी का एक ही बात कहना है। जनसलाब देख लीजिए, कितने सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पालीमठ का परिक्रमा मार्ग है। क्या आप बड़े हैं क्या छोटे हैं, उनके नाम में कोई भेद नहीं था। इस पूरा पंडाल जो है ना भर गया है, और अभी भी इस सामने देखे रास्ते से लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और वीडियो एक और ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार आपको दिख रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अभी है तरेत में, जो कि पड़ता है नवोदपुर में। नवोदपुर के तरेत पाली मठ के पास आपको पता ही है कि आज है 13 मई, और आज ही से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो महाराज है, बागेश्वर धाम के जो महाराज है, उनका कथा आयोजन शुरू होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, संध्या के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आज उनका कथा होने वाला है। अभी दोपहर का समय है फ्रेंड्स। बता दें आपको कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जो जी हैं, वो आपके सुबह सुबह ही 8 बजे एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं, और उतरने के साथ साथ वो अभी विश्राम कर रहे हैं पनास होटल में, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, इस ग्राउंड पे आ गए हैं जहाँ पे पूजा का सारा कार्यक्रम हो रहा है, मेला का सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो चलिए दिखाते हैं पूरे भव्य मेला का आयोजन, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो चलिए मेला के परिसर में घूमते हैं और आप लोग को भी घुमाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह तरेत पाली मठ का परिक्रमा मार्ग है, जहाँ पे भक्तगण आकर यहाँ पे बजरंग बली का परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान का परिक्रमा लगा रहे हैं। देख सकते हैं कल कलश यात्रा था, कल कलश उठा था और सारे कलश जो है ना यहीं पे रखे गए थे, और ये सामने बजरंग बली का मूर्ति यहाँ पे बनाया गया, और सारे भक्तगण आकर इस भगवान के बजरंग बली के परिक्रमा लगा। और जैसे ही शाम के 4 बजेंगे, 4 बजे से भगवान हनुमान जी का कथा आयोजन शुरू होने वाला है, जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी हैं वो करने वाले हैं। देश के लोग मुस्लिम जो डायरेक्ट बोल सकता है कि हम मुस्लिम हैं, तो हमें हिंदू बोलने में क्यों तकलीफ हो रहा है? एक हमारे महाराज जी वो जो ललकार भर रहे हैं, ये विरोधी उनको क्यों छाती कप रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक ही बात कहना है कि हिंदू घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। पर जो हिंदू है वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, सिर्फ आगे बढ़ाता है, कट्टरता नहीं ना सिखाता है। और विरोध कौन करता है? जो उसको जहां दो राम है वहां विरोध नहीं। तो फ्रेंड्स जनसलाब देख लीजिए, आप अभी 3 बज रहे हैं, 4 बजे से कथा होना है, लेकिन अभी से देख लीजिए पूरा पंडाल भरा पड़ा है, पूरा पंडाल जो है ना भर गया है। और अभी भी इस सामने देखे रास्ते से लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार लोग आते जा रहे हैं। पूरा पंडाल इधर ठसमा ठस भर चुका है, और इस साइड देख लीजिए पूरा पंडाल सामने भर चुका है। ये रहा मुख्य पंडाल, आपको हम दिखा रहे हैं अभी मुख्य पंडाल, ये आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बैठेंगे और यहीं से प्रवचन करेंगे, कथा सुनाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे आकर उनका इंतजार कर रहे हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को सुबह से आकर यहाँ पे अपना अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं और बैठकर बाबा का इंतजार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप बाकी चारों पार्टी देख लीजिए, जब बैरिकेडिंग वगैरह लगाया हुआ है, ये सारा पूरा स्पेस खाली है। उस जो सामने गेट दिख रहा है ना, उस सामने वाले गेट से बाबा का एंट्री होगा यह तय है। ये जो गेट दिख रहे हैं सामने वाला गेट, यहाँ से यह लोग आ सकते हैं, आम जनता यहाँ से आ सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं, और यह इस पंडाल में आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं और यहाँ से कथा सुन सकते हैं। सामने में एक और पंडाल है, बीच वाला पंडाल है, जहाँ से भी आप बैठ सकते हैं अगर आपको जगह मिलता है तो। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, देखने में मुझे लग रहा है वो पूरा पंडाल भर चुका है, वहाँ पर कोई भी स्पेस वगैरह खाली नहीं है। बाकी आप देख लीजिए मुख्य आपका पंडाल हो गया, जहाँ पे शास्त्री जी बैठेंगे और कथा सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए फर्स्ट वाले पंडाल के अंदर, देख लीजिए पंडाल में पूरा स्थिति देख लीजिए क्या है, पूरा ठसमा ठस लोग बैठे हुए भरे हुए। सामने देखिए आपका फोकस करेगा, सामने मेन पंडाल है, देखिए जो कि बीच में यह पहला पंडाल है, इसके बाद सेकंड वाला पंडाल सामने, उसके बाद थर्ड वाला पंडाल। तो अभी सिर्फ पहला पंडाल को आपको दिखा रहा हूँ, उस पहले वाले पंडाल में देखिए यह स्थिति है कि पूरा जगह फुल हो चुका है, लोग भर चुके हैं, भर भर के लोग आ रहे हैं। बाहर से आपको दिखाते हैं, और ये देख लीजिए बाहर का स्पेस यहाँ पे पूरा खाली हो गया, यहाँ पे शिविर वगैरह लगाया हुआ। देखो पूजा पंडाल स्थल के पास मैं आई हेल्प यू का वहाँ पे देखिए पूरा लगा हुआ है। वहाँ पे आपको अगर कोई खो जाते हैं, किसी चीज़ का जरूरत वगैरह पड़ता है, तो वहाँ पे वो शिविर लगाया हुआ है जहाँ पे हेल्प आप ले सकते हैं। सामने वहाँ पे गेट हो गया, और इस साइड देखिए वैजनाथ धाम का कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया हुआ है, उधर शिविर वगैरह लगाया हुआ है। और ये देख लीजिए पूरा यहाँ पे हर जगह आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में है, तो हर जगह आपको यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी आपको मिल जाएगा लगा हुआ। और बाकी आप देख लीजिए पंडाल के अंदर का स्थिति अभी हम दिखा रहे हैं, तो आप देख लीजिए अगर पीछे आ गए, काफ़ी पीछे आ गए हैं, और इस साइड भी ऐसा स्थिति है कि यहाँ पे पूरा ठसमा ठस लगभग भर गया इस साइड में, इस साइड इधर पूरा स्पेस भर गया देख सकते हैं, और ये वाला स्पेस अभी पूरा खाली है।
पीछे में इधर पूरा खाली है, लेकिन इस साइड की बात करें तो पूरा स्पेस भर गया। और देखिए सामने में पंडाल जो है वो सामने में जो कि काफ़ी दूर यहाँ से है, और इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं कि सामने वाला पंडाल भी नहीं दिख रहा है बढ़िया तरीके से। और हम लोग करीब चलेंगे और बीच में चलेंगे और बीच से दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोग को। बाकी आप देख लीजिए यहाँ का स्थिति कुछ इस तरीके से है कि ठसमा ठस लोग बैठे हुए हैं, और सिर्फ पटना से ही नहीं, बिहार से नहीं, बिहार के कई इलाके से, कई दूसरे जगहों से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए। ये देखिए अभी अब दूसरा वाला पंडाल जो है, सेंटर वाला पंडाल जो है, बीच वाला पंडाल है, यहाँ पे हम लोग आ गए। और इस पंडाल का स्थिति वगैरह देखिए तो बाप रे क्या सैलाब पहुँचा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं सामने में पंडाल है, मेन पंडाल, और पूरा ठसमा ठस है। यह पंडाल तो पूरा ठसमा ठस है, आप देख लीजिए कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। ये देख लीजिए बीच में इस साइड का स्थिति देख लीजिए पूरा, आपको शुरू से लेके अंत तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको इस पंडाल में एक भी फुट जगह खाली नहीं मिलने वाला। ये जो पंडाल है फर्स्ट वाला पंडाल है, यहाँ पे तो आपको कुछ जगह मिल भी जाएगा, लेकिन अगर हम लोग सेकेंड वाले पंडाल की बात करें, इस वाले पंडाल के जो कि सेंटर में पड़ता है, इसी के सामने मेन जो पंडाल है वो सामने वाला पंडाल यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलने वाला, देख सकते हैं। ये देख रहे सामने यह मुख्य पंडाल है जहाँ पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो महाराज जी हैं वो यहाँ पे बैठेंगे सामने और आपको कथा सुनाएंगे। ये देखिए सामने उनका मंच यहाँ पे आप दिख रहा होगा, और इस साइड आपको पूरा देख लीजिए लोगों का भीड़ देख लीजिए, जमावड़ा देख लीजिए, पूरे सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं। जैसे ही कथा स्टार्ट होगा तो ये लोग सुनेंगे। फिलहाल देखिए सारे लोग अपना अपना जगह खोजने में भी लगे हुए हैं, कहीं भी जगह मिल जाए और हम लोग बैठ जाए सेंटर में, लेकिन सेंटर में कोई जगह खाली नहीं है तो बहुत ही कठिनाई हो रहा है लोगों को। दूसरे वाले और तीसरे वाले पंडाल में लोगों को बैठना पड़ रहा है। देखिए कितने सारे लोग हैं वेटिंग में और जगह तलाश कर रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन जगह मिल नहीं रहा। अभी पीछे हम लोग चलेंगे, ये तो हम लोग करीब आगे जाने का प्रयास किए लेकिन पूरा सामने हम लोग जा भी नहीं पाए, और हम लोग और पंडाल के पीछे चलते हैं और पीछे का स्थिति देखते हैं क्या कुछ है, जगह वगैरह है खाली या नहीं खाली। अभी 3:30 के आसपास हो रहे हैं, 4 बजे से कथा स्टार्ट होने वाला, और जैसे ही कथा स्टार्ट होगा तो सारे लोग बैठ जाएंगे और आपको एक फुट भी जगह खाली नहीं मिलने वाला। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं नवदपुर के त्रेत पाली मठ के पास, जहाँ पे आज से कथा स्टार्ट होने वाला है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी का, जो कि शाम के 4 बजे पहुँचने वाले हैं और 4 बजे उनका कथा स्टार्ट होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी आपको पूरा यहाँ का स्थिति दिखाने वाले हैं सुबह से शाम तक का, तो आप प्लीज़ लगातार वीडियो पे बने रहेंगे, चैनल पे बने रहेंगे, सारा कुछ यहाँ तक हम दिखाने वाले हैं। हम लोग जैसे जैसे पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, इस साइड आपको जगह मिल जाएगा, देखिए इस साइड आपको अभी जगह भी खाली मिल जाएगा, लेकिन इस वाले पंडाल में हम देखें सेंटर वाले पंडाल में तो यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है, पूरा ठसमा ठस यहाँ पे भरा हुआ है दोस्तों।